नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टेक पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्रोसिन 120 mg सिरप के बारे में। इस सिरप का क्या काम है, इसको कैसे यूज करना है, इसके डोजेज, इसके साइड इफ़ेक्ट, फ्रेंड्स पूरी जानकारी देंगे। कृपया वीडियो को पूरी देखें। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दवाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो क्रोसिन 120 mg सिरप के बारे में। फ्रेंड्स, ये ग्लेस्को कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और इसकी मार्केट प्राइस फ्रेंड्स 34 रुपये है और ये 60 ml की पैकिंग में आता है। फ्रेंड्स, ग्लेस्को कंपनी बहुत ही मशहूर है और इसके बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आते हैं, उसमें से ये क्रोसिन सिरप भी बहुत ही मशहूर है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं इस सिरप के फ़ायदे के बारे में। फ्रेंड्स, इसके कंटेंट की बात करें तो इसमें पैरासीटामॉल होता है जो कि प्रत्येक 5 ml में 120 mg पैरासीटामॉल होता है। तो फ्रेंड्स, पैरासीटामॉल एक एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक होता है जो कि दर्द और बुखार के लिए होता है। दर्द चाहे जैसा भी हो फ्रेंड्स, चाहे कान में दर्द हो, सर में दर्द हो या हाथ पैर कहीं में भी दर्द हो, तो उसके लिए यह बहुत ही अच्छा है और बुखार को भी ठीक करने के लिए यह बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और बहुत ही जल्द बुखार को ठीक कर देता है। तो फ्रेंड्स, आइए बात कर लेते हैं इसके डोजेज के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसको 10 से 15 mg प्रति kg दे सकते हैं, यानी कि अगर बच्चा 10 kg का है तो उसे 100 से 150 mg तक दे सकते हैं। दिन में इसको 3 बार दे सकते हैं या अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार। फ्रेंड्स, इस सिरप को लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लेनी चाहिए, उनसे डोज का अच्छी तरह से जानकारी ले लेनी चाहिए तभी इस सिरप को यूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस सिरप के जो साइड इफ़ेक्ट हैं जैसे कि सर दर्द, जी मचलाना, उल्टी होना, पेट में गैस बनना, शरीर पे दाने निकलना या त्वचा में खुजली होना, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि किसी किसी को हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसी कोई समस्या होती है इस सिरप को लेने के बाद तो अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की जानकारी क्रोसिन 120 सिरप के बारे में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।